प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में आज मोहन सरकार के द्वारा पूर्णकालिक पहल बजट जो है पेश किएगा, जौने मां जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री के द्वारा ये पूरा बजट पेश किएगा। विपक्ष के काफी हंगामे के बाद लगातार जगदीश देवड़ा बजट भाषण पढ़त रही है के का मिली सौगात मध्य प्रदेश के अंदर पूरी खबर लेके आए हैं। विंध्य का सौगात के साथ साथ प्रदेश में बम्पर भर्ती के घोषणा भई। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करें स्थितिवारी अपना पंजीयन का सभी जनरेट का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पपचक बताया दी कि मध्य प्रदेश में कि मोहन सरकार के पहला पूर्णकालिक बजट आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत किएगा। अपना बजट बताए थे कि यह बजट 3,65,067 करोड़ रुपये के रहा, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। आई जानी थे कि यह बजट में केका का मिला, मोहन सरकार के पहले बजट पर प्रदेश वासिन का काका मिली। मोहन सरकार के पहले बजट के अनुसार प्रदेश में पुलिस महकमा में 7,500 पदन पर भर्ती की गई। बजट के अनुसार यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तब वहीं स्कूलन में शिक्षकन की कमी का देखा किन स्कूलन में शिक्षकन के साथ साथ खेल और संगीत के 11,000 पदन पर भर्ती कराई गई। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवा में भर्ती होने वाली परीक्षण के फीस कम करने खातिर रणनीति बनाई गई। अपना बजट बताया दी कि प्रमुख यह बजट में कौन जो है लाभ मिला है प्रदेश का यह जान ली। तो बजट के अनुसार पीएम आवास योजना खातिर मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपया के प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,900 करोड़ रुपया के प्रावधान किया है। प्रदेश में यह साल 2,200 ITI खोले गए हैं और एमा 5,280 सीट बढ़ी। पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहरन में 552 ई बस चलाई गई है। ई बस जो है इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर उज्जैन और सागर में चली। यह साल मंदसौर नीमच सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। 2028 में होने वाले सिंहस्थ खातिर 500 करोड़ के प्रावधान है। इसे उज्जैन और आसपास के 10 जिला में विकास कार्य किए गए। महिला स्व सहायता समूह का बड़े बाजारन से जोड़े खातिर 800 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। ई विधायक ऑफिस खातिर हर विधायक का 5,00,000 रुपया दिए गए हैं। नर्मदापुरम शहडोल बालाघाट सागर मुरैना में आयुर्वेद अस्पताल खोले गए हैं। हर जिला में हुई कम से कम एक पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज। उच्च शिक्षा विभाग में 2,000 पदन पर भर्ती के प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र खातिर वर्ष 2024-25 में 52,682 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग खातिर 26,500 करोड़ रुपये के प्रावधान है। बजट के अनुसार आगामी 5 सालन में एक्सप्रेस वे में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर के अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर के नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस वे, 450 किलोमीटर के मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर के बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर के मध्य भारत विकास पथ प्रस्तावित किया है। सिंहस्थ खातिर उज्जैन आबे वाले सभी सड़कन का 4 लेन 8 लेन में किंजाय के प्रावधान है। तो यह रहा बजट पर मिले वाला वह लाभ और वह सौगात जो मध्य प्रदेश का मिले वाली है। हालांकि यह बजट में विंध्य खातिर केवल विंध्य एक्सप्रेस वे के जिक्र किया है और कौनो में के विंध्य के 30 विधानसभा सीटन में विकास की बात नहीं की गया है। हालांकि हर विधायक के द्वारा यह मांग की गई रही, चाहे सीधी विधायक की बात की जाए तो उनके द्वारा कहा गया कि हमारा मेडिकल कॉलेज चालू हो जाए और सीधी का स्मार्ट सिटी बनावा जाए और रीवा के लेके कोनो बड़ा जिक्र नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह बजट एक बेहद उम्मीदन से भरा बजट है और यह बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन सरकार के यह पहला बजट एवं कोनो अतिरिक्त भार मध्य प्रदेश के जो है लोगन पर नहीं डाला गया है, मतलब कोनो टैक्स का बढ़ावा नहीं गया है। तभी रखिए अपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। तुम रिकॉर्ड शुरू हो गया, ये इसमें हो रहा है। चलिए रिकॉर्ड कर दीजिए। हाँ।
मध्य प्रदेश सरकार का आज बजट आ रहा है, पीसीसी बतौर क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश सरकार के दो बजट हैं। एक बजट है जो सरकार को जनता को बताना है, जो 80,000 करोड़ रुपए के लगभग घाटे का आएगा। आप देखो कि ये 3C की सरकार, जिसने कर्ज, क्राइम और करप्शन से अपना गहरा नाता जोड़ा है, उसका एक बजट तो है व्यापम, नर्सिंग, परिवहन, माइनिंग, पटवारी, ट्रांसफर, आबकारी, मास्टर प्लान और मेट्रो। इसमें कैसे पैसे डालें और कैसे करप्शन करें, लूट के हिस्से में सबका हमारा हिस्सा बने, ये एक हिस्सा इस सरकार का 3C का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ जैसा मैंने पहले भी कहा कि 3,79,000 करोड़ रुपए के कर्जे में हमारी सरकार, 45,000 करोड़ रुपया हर वर्ष आपको सिर्फ देनदारियां देनी होती थी, ब्याज और आपकी देनदारियां, 90,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिए इसलिए कि लाडली बहना के 1200 रुपए देने हैं। 90,000 करोड़ रुपया, यानी बजट में इसका प्रोविजन रखेंगे तो वो पैसा आएगा कहाँ से? वो या तो मोदी सरकार की रहमोकरम से, या संपत्तियां बेच के, या कर्ज लेके। पर कर्ज रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश सरकार को लेने का मना कर दिया है, हमारी साख इतनी घट गई है। तो हालात सर्वविदित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रोजगार और बजट का बहुत गहरा रिश्ता होता है। 37,000 पंजीयन थे पिछले साल 2023-24 में, जो 37,00,000 पंजीयन में से 2,00,000 लोगों को रोजगार मिले सरकार का उत्तर है, वो भी प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी एक भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि विज्ञापन और इवेंट जो पिछले 5 साल से चल रहे थे उसका क्या असर हुआ, ये सरकार ने उत्तर दिया कि हम अकर्मण्य थे। अब चूंकि 10,00,000 पंजीयन ही समाप्त हो गए, बच्चे कहाँ गए पता ही नहीं, पंजीयनों का जो आधार था वो संख्या घट गई, मतलब ये सरकार फेल हुई रोजगार देने में। तो उस पर फोकस करने के लिए सरकार के बजट की गति क्या होनी चाहिए, ये मोहन सरकार कितना करेगी, ये बजट आने के बाद पता चलेगा। रामायण और गीता जैसा वचन पत्र, जिसमें 3,000 रुपये बहनों को देना था, जिसमें 3100 धान के, 2700 गेहूं के, 450 का गैस सिलेंडर, महंगाई से राहत, उसका क्या हुआ? फ्री शिक्षा बच्चों को, लैपटॉप, स्कूटी, फिर परिवार के वो लोग जिनको मुफ्त शिक्षा के साथ छात्रवृत्ति, सब पेंडिंग है। सरकारी कर्मचारियों की, चतुर श्रेणी के कर्मचारियों की 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाहें नहीं दे पाते हैं। तो कुल मिलाकर इस बजट का जो मूल सार है वो 3C का है, और मैं सोचता हूँ कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट लाएंगे, 90,000 करोड़ रुपए इनको एक्स्ट्रा चाहिए जो केवल लाडली बहना को आपको रखना है, और करप्शन इनको कितना कहाँ से करना है उसका अलग बजट बनेगा जो मैं बता चुका हूँ, और जो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आंखों में धूल झोंकेंगे वो अलग बजट बनेगा। तो ये कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है, ये लूट की छूट की सरकार है, ये घाटे के बजट लाने वाली सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हर साल उसी बजट को रिमेप फिर से बताकर घाटे का बजट पेश करने वाली सरकार है। अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है, इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि पुरानी कोई भी योजना बंद नहीं होगी और नया टैक्स कोई भी आज नहीं लगाया जाएगा, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने जैसा कहा कि नया टैक्स नहीं लगाएंगे और पुरानी योजना चलती रहेगी, तो क्या कारण है कि बच्चों को लैपटॉप नहीं मिले? क्या कारण है कि छात्रवृत्ति के पैसे बच्चों के खाते में नहीं गए? क्या कारण है कि जो किसान परिवार के लोग हैं जिनको 3100 के धान के दाम मिलना था वो नहीं मिला? क्या कारण है कि 2700 के गेहूं के दाम नहीं मिले? 3,000 बहनों को कहा था 1200 में क्यों टरकाया जा रहा है? वोट तो 3,000 के नाम पे लिए थे। 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ? ये वित्त मंत्री जी इस तरह की बात करके ये कहते हैं कि अद्भुत, अकल्पनीय, आंखों में आंखें झूठ डाल के झूठ कैसे बोला जाता है वो बोला। इंदौर की घटना होती, 5 एक्सपायर करते हैं बच्चे। बजट जो होता है उसका रिश्ता होता है रोजगार से, लोगों के सुख सुविधा से, लोगों की भूख से। हालात क्या है मध्य प्रदेश के? 5 बच्चे इंदौर में मृत्यु हुई, इसलिए कारण पता चले, पेट में अनाज नहीं पहुंचा, खाना नहीं पहुंचा, इसलिए मौत हुई। अलीराजपुर में गरीबी के कारण एक पिता ने उसकी पत्नी को, उसकी 9 साल के बच्चे को, उसके 7 साल की बच्ची को और 3 साल के, 4 साल के बच्चे को, सबको मौत के घाट उतार दिया, आत्महत्या कर ली। क्या था कारण? गरीबी। यानी इस सरकार का असली चेहरा, इस बजट का असली चेहरा रोजगार नहीं है,
रोजगार एक भी नहीं दिया, किसानों को वचन पत्र पूरा नहीं किया, बच्चे भूख से इंदौर में मर रहे हैं, माता पिता आत्महत्या कर रहे हैं अलीराजपुर में, हालात और किसान कर्जदार है अद्भुत अकल्पनीय। तो इस बजट का मूल सार है। हाथरस में जो घटना घटी बड़ी पूरे देश को उद्वेलित करने वाली घटना है, पूरे मृतक हैं उनको तो श्रद्धांजलि है ही, पर परिवार को भी संबल मिले इसकी हम मनोकामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पर अल्टीमेटली इतना बड़ा कांड, 130 लोगों की मौत का कौन जिम्मेवार है, ये प्रश्न तो बनता है। तो 130 लोगों की मौत का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मोदी योगी सरकार है, इस्तीफा देना चाहिए। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004161 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौज तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,